हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। आपके सामने मौजूद है आपकी होस्ट एंड दोस्त श्वेता बिस्ट। एंड यस गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड बिकॉज आई एम डूइंग ग्रेट। और आज की वीडियो होने वाली है एक हॉल, एंड बिकॉज आई एम बैक इन चंडीगढ़ नाउ, मैं अपने होम टाउन की देहरादून। जो लोग मुझे इंस्टा में फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, दे ऑल नो कि यस, मेरे कुछ वीडियो इंस्टा में डाली थी, जैसे कि मैं ट्रेवल वीडियोज डालती हूँ और मैं घूम रही थी टिहरी वगैरह वगैरह, काना ताल वगैरह, जो कि बहुत फेमस जगह हैं देहरादून में, हिल स्टेशन हैं बेसिकली। इस वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाई। सेकेंड थिंग इज, ये जो सारा सामान था, ये जो हॉल का है, ये मेरा यहाँ चंडीगढ़ में ही था, बिकॉज एज यू ऑल नो मैं यहाँ जॉब करती हूँ, तो ये सारा चंडीगढ़ में था और इस वजह से मैं ये वीडियोस नहीं बना पा रही थी। लेकिन बिकॉज नाउ आई एम बैक इन चंडीगढ़, तो ये वीडियो शूट करनी तो बनती है। और ये वाला जो हॉल होने वाला है, दिस इज़ जस्ट अंडर 200 रुपीज़। मैंने कोशिश किया मैं वो सारे आइटम पिकअप करूँ जो कि हमारे काम भी आते हैं डेली यूज़ में लड़कियों के, और तो और वो 200 के नीचे ही हो सारा सामान। तो ये मैंने बिल्कुल कोशिश करी है, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। लेट मी शो यू, जो सामान मैंने नाइका से ऑर्डर किया था वो कुछ इस तरह ऐसे बॉक्स में आया है। और मैं आपको बता देती हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद काफ़ी चीज़ें अनपैक नहीं की है इसमें, क्योंकि मेरा ये था कि जब मैं वीडियो शूट करूंगी तभी मैं ये सामान खोलूंगी। तो कुछ कुछ तो मैंने देखा, लेकिन बहुत सारी चीजें ओपन नहीं की है। तो लेट्स गो एंड अनबॉक्स दिस बॉक्स। सो दोस्तों, जो पहली सबसे चीज है वो है ये ब्लू हेवन का ट्रू ब्रो यू नो आईब्रो डिफाइनर लॉन्ग स्टे, ये वाला मैंने ऑर्डर किया है। एंड ये इस तरह से कुछ पैकेजिंग में आया था, ये इसकी पीछे की पैकेजिंग है। और लेट मी यस इसको निकालते हैं, और यार ये असली स्ट्रगल है। कुछ इस तरह से दिखती है ये पेंसिल। ये यहाँ पे दावा करते हैं कि 12 आवर्स स्टे करता है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और यू नो ये आपकी आईब्रो अच्छे से डिफाइन करके, आई मीन फुलर आईब्रोज ही आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है। सो ये वाला शेड मैंने इसका ऐसा कुछ है, ये वाला शेड मैंने इसका मंगाया, दिस इज नेचुरल ब्राउन। सो यस, कभी भी आप मेरी किसी भी वीडियो में यूज़ करूँगी, आई लेट यू नो कि आज मैंने ये वाला यूज़ किया है, फिलहाल मैंने ये यूज़ नहीं किया है। सो यप, इसको पैक करते हैं। तो ये मुझे पड़ा, इसका प्राइस था, ये तो मैं बताना भूल गई, इसका प्राइस है एक्चुअल प्राइस 90 रुपीज़ का, ये ओनली 19, बट स्टिल मेरे को डिस्काउंट के बाद ये पड़ा 68 रुपीज़ का। सो गाइज, ये काफ़ी फायदे के सौदे में सौदा मुझे पड़ा है फायदे का। तो यस, ये थी पहली चीज़। और बिना टाइम वेस्ट कर हम जाएंगे अपनी सेकंड चीज़ में, जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक्स HD फिनिशिंग लूज पाउडर, एंड दिस इज इनसाइड। ऐसे ये इसका अंदर से लुक है, ये ऐसे इसके अंदर ये पफर आता है ऐसे ये करके, और लूज पाउडर अंदर से आपका लूज ना हो जाए, लिटरली गिर ना जाए, उसके लिए ये इन्होंने आपको प्रोवाइड किया है। देखो, मैंने कहा था ना, मैंने भी नहीं खोला, आप लोगों के सामने खोल रही हूँ। सो लेट्स ओपन दिस। भी थोड़ा सा यूज़ किया इसको यहाँ पे, ये अच्छे से ब्लेंड हुआ है, कोई इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें फालतू फ्रेग्रेंस नहीं दी गई है। ये ऑब्वियसली ब्रांडेड जितना तो नहीं अच्छा, लेकिन रेट वाइज दिस इज ऑसम। इसके रेट पे डिस्कस करते हैं, रेट इसका एक्चुअल में है 135। गाइस, अगर इसे कोई कम्प्लीटली बिना सेल के भी लेना तो भी इसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि ये ना ब्लेंड भी अच्छे से हो रहा है स्किन में, दिस इज स्मूथ, काफ़ी अच्छी लग रही है स्किन। इसके बाद ये यहाँ पे कोई स्मेल भी नहीं है, फ्रेग्रेंस इसमें ऐड नहीं की गई है। तो यस, उस हिसाब से 135 भी इसका प्राइस बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी सेल में ये पड़ा है मुझे 122 का ओनली, तो नॉट अ बैड डील। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, जितनी भी मैं डील लाई हूँ सारी बहुत बढ़िया डील है, तो कीप वॉचिंग। तो फिर थर्ड हम फटाफट आ जाएंगे, थर्ड हमारे पास है इनसाइड कॉस्मेटिक हाइलाइटर, एंड इसका जो अंदर से है वो है कुछ इस तरह से। इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कोई हाइलाइटर, मेरे पे है ऑलरेडी, बट मेरे पे लिक्विड हाइलाइटर्स हैं लैक्मे के एंड ऑल, बट लेकिन ये वाला मेरे पे पाउडर वाला हाइलाइटर आया है। तो लेट मी ओपन इट। यस एंड यस, ऐसा ये कुछ है हाइलाइटर। अब हम इसको अपने फेस पे लगाते हैं, ऐसा है। आई गेस इसका कोई शेड नहीं है, बस ये एक ही इनके पास शायद, और कोई वेरिएंट है भी नहीं। नॉट बैड गाइस, कोई स्मेल भी नहीं है आई स्वेयर, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यप, कैन यू सी दैट ग्लो? सी, दिख रहा है आपको ये ग्लो? यस गाइस, ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो, हाईलाइट भी कर दिया इसने मेरी
किम एंड यस, कोई स्मेल भी नहीं है. अगेन इसमें भी कोई स्मेल नहीं है, बहुत अच्छा है. इसका एक्चुअल प्राइस है गाइज 105. आई टोल्ड यू इसको बिना सेल के भी दिस इज अ बेस्ट डील कॉलेज वाले बच्चों के लिए, और या फिर जो लोग अपनी सेविंग से मेकअप का सामान लेते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग टू परचेज. ठीक है, अपने मेकअप आइटम में इसको ऐड कर लो गाइज, ये बहुत अच्छी चीज़ है. एंड आई गॉट इट फॉर 95, नॉट बैड. ठीक है, थर्ड हम मूव करेंगे. दिस इज अ वाइट काजल विच इज ऑल्सो नोन एज ग्लिमर फॉर आईज. ये है स्विस ब्यूटी का. अब इसको मैं ट्राई करूंगी, इसको मैं दिखा देती हूँ ये कैसे दिखती है. कुछ इस तरह से है ये. पेंसिल की लेंथ इसकी अच्छी है, शार्पनर इसके साथ में कुछ नहीं आएगा. कैन यू सी दिस गाइज, कैन यू सी, आई कांट बिलीव ये इतनी स्मूथली, यू नो वॉट, इसको वन स्विच में लग गया. आई मीन इतनी स्मूथली लग गया है ना, ओनली वन टाइम. मैंने इसको कोई फोर्सफुली नहीं लगाया, जैसे कहीं पेंसिल्स होती है ना ऐसे आती हैं और उसको आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है किस किस के, ये बिल्कुल वैसे नहीं थी. ये जस्ट वन अटेम्प्ट में ये रिजल्ट है. बहुत स्मूथ था, रियली 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 बहुत अच्छा था. आई एम इम्प्रेस, ये बहुत अच्छी चीज़ है. एंड लेट मी टेल यू, इसका प्राइस है एक्चुअल 40 रुपीज़ एंड आई गॉट इट ओनली फॉर 37. 3 रुपये का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको एक्चुअल प्राइस में मिल रहा है, बट गाइज गेट इट, यह बहुत अच्छा था. आप खुद रिजल्ट देख सकते हो, आपके सामने मैं सारी चीज़ें यूज कर रही हूँ, सी राइट. सो यस, आई लाइक इट. अच्छा गाइज, इसी के बाद में इन कलर का इंटेंस लॉन्ग वेयर आई परफेक्ट अगेन EO8 वाइट लाइनर मंगाया था. ये नीचे वाला है स्विस ब्यूटी का एंड इसके ऊपर वाला है इन कलर का. सो यू कैन सी द डिफरेंस. अनफॉर्चुनेटली मेरा यू नो रिटर्न पीरियड ओवर हो गया, जैसे मैंने बताया था मैं देहरादून थी. सो ये वेस्ट ऑफ मनी मुझे रखना पड़ेगा. एंड द प्राइस ऑफ दिस वाइट काजल इज 49 एक्चुअल प्राइस, जो कि से ऑलमोस्ट 9 रुपये ज़्यादा है. एंड ये मुझे पड़ा 44 का एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. ऑनेस्टली ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे इन कलर से. इसके बाद मेरे पास है नायका मैट टू लास्ट. इधर से ये ऐसा है कुछ मैटलिक. सो इसका शेड लाइक रियली गाइज ये है. एंड ये लिपस्टिक से ज़्यादा आई शेडो मुझे लग रहा है. कोई लिपस्टिक तो नहीं एक्चुअली. मैं ये रिक्वेस्ट किया, मैंने लिक्विड जो लिपस्टिक जो है जस्ट हर्ब से मंगवाई थी, तो ये मेरे को बहुत पसंद है. बट इसका भी रिव्यू चाहिए तो मुझे बताना, बट लेकिन मैं इसको मेस्ड अप नहीं करना चाहती इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि इसका शेड जो मैंने एक्सपेक्ट कर रही थी कि न्यूड में आएगा, न्यूडिश होगा थोड़ा अच्छा सा, वो बिल्कुल नहीं लग रहा है. ये कुछ शाइनी सा ही है एंड ये शाइनी क्लिप पे कौन लगाएगा यार, ये मुझे इससे ज़्यादा आई शेडो लग रहा है. इसमें क्या लगाऊंगी मैं, ये कुछ निकल ही नहीं रहा. ये था एक्चुअल 249 एंड ये आई गॉट दिस फॉर 125. सो शायद इन्होंने देखा कि मुझे 125 का मिल रहा है इसलिए इन्होंने ये भेज दिया. जस्ट किडिंग, बट लेकिन स्टिल गाइस दिस इज ऑल्सो अ बिग नो. पहली बात, ये लिपस्टिक का शेड तो बिल्कुल नहीं लग रहा है. सेकेंड चीज़, ये लिप्स पे लगा नहीं सकते हो आप लोग, कि आप बिल्कुल खुद से देख लो, ये ग्लिटरी ग्लिटरी सा है. दिस इज समथिंग लाइक आई शेडो, इसे आप लिक्विड आई शेडो की तरह यूज़ कर सकते हो, बट अगेन वो भी एक जुगाड़ होगा. लेकिन ये लिक्विड लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. नॉट हैप्पी गाइज, रियली नॉट हैप्पी गाइज. ये मेरे पास है फेदर का. आई रियली वॉन्टेड टू यूज़ इट, तो मैंने यूज़ कर लिया था कुछ एक दो बार, दो तीन बार. तो ये कुछ पैकेजिंग मेरे पास है नहीं, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है गाइस. दिस इज अ ब्लेड एंड यू विल गेट दिस कैप विद इट एंड ऐसे ऐसे. तो यस गाइस, ये मैंने यूज़ किया है एंड दिस इज़ रियली यूजफुल. ऐसा कुछ ब्लेड आपके पास होना चाहिए. दिस द प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज 100. आई गॉट इट फॉर 100 ओनली, 100 और 150 समथिंग है इसका. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मुझे नायका में इतनी बार दिख रहा था, जब भी मैं कोई आइटम परचेज कर रही होती थी ये मुझे दिखता रहता था. तो आई थॉट यार ये मैं लूँगी एक बार, मैंने फाइनली ले लिया. सो ये है गाइज, दिस इज अ ट्रांसेंस का यू नो वट एन आर और यू आर समथिंग लवली आर लव. ये परफ्यूम आई परचेज इट, लेट मी स्मेल इट कैसा है ये. चलो भाई बाहर आ जाओ. यस, जिस चीज़ पर मैं इसकी फिदा हुई थी, दैट इज सी गाइस. अब आप खुद देख लो क्या ये सुंदर नहीं है. सो गाइस सॉरी, स्पेस फुल हो गया था फ़ोन का, अभी मैंने डिलीट किया है सारा, तो उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग कर पाई. अभी डिलीट करके वापस से शूट कर रही हूँ.
होता रहता है। सिर्फ इसकी बॉटल की आई डोंट नो हाउ इट स्मेल्स, लेकिन इसकी बॉटल की वजह से मैं इसे लिटरली लेना चाहती थी एंड आई गॉट इट। तो यस गाइस, मैं फटाफट से स्मेल करती हूँ। होपफुली प्लीज़ 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 की स्मेल अच्छी हो। इसकी जो स्मेल है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अब तो खैर वापस हो भी नहीं सकता, तो एनी वे आई हैव टू यूज़ इट, और या तो मुझे अपनी बहन को या किसी को गिफ्ट करना पड़ेगा। सो जिसे भी गिफ्ट करना पड़ेगा मेरी वीडियो देख लो पहले तुम लोग, ये तुम्हें जाने वाला है तुम्हें। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, यू एंजॉय द वीडियो। यस, देन प्लीज़ 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 शो योर लव, सब्सक्राइब कर दो यार, कब से वेट कर रही हूँ। एंड यस गाइज, कीप सपोर्टिंग ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोज लाऊँ। आपका प्यार दिखेगा तो ही तो ऐसी वीडियो बनेगी, तो ही तो हॉल बनेगा। थोड़ी सी मोटिवेशन आती है तो अच्छा लगता है। सो गाइज यस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड यस, और बाकी मैं ऐसी वीडियोज लाती रहूँगी। बहुत सारे हॉल हैं, मीशो के हॉल हैं, कुर्तीज़ हैं, कपड़े हैं, बहुत कुछ है, शूज़ के हॉल हैं। देखना चाहते हो तो बताओ मुझे, आई विल श्योरली ब्रिंग द वीडियो। सब तक ले, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।